यूपी के मुरादाबाद में वोट डालने से रोकने पर एक आदमी की पुलिस से झड़प हो गई। इस आदमी ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस ने उसे वोट नहीं डालने दिया और उसे समझाने के बाद भी पुलिस ने उसे पोलिंग बूथ के बाहर ही रोक दिया, जिसकी वजह से उसकी वहां तैनात एक पुलिस वाले से काफी देर तक बहस हुई। पोलिंग बूथ के बाहर हो रहे हंगामे को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस वालों से उसे वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत देने की मांग की। इस बीच उस आदमी ने हाथ में वोट डालने की पर्ची भी दिखाई, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने किसी की नहीं सुनी और पुलिस वालों ने ही इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आखिर वो आदमी बिना वोट डाले वहां से चला गया और उसने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। वोट डालने नहीं देंगे, ये चाहते हैं वोट ना डालें। यहां का प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है।